ऐसी अद्भुत ज्ञान गाथा स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा प्रदत्त एकमेव अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान के मार्गदर्शन में हम आप सभी आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को पुनीत बनाते हुए धन्यता का भाव महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों के बारे में हम चिंतन करने वाले हैं। वैसे तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में बहुत कुछ हमने समझने की कोशिश की। दैवी संपदा तो भगवान से प्रदत्त है और दैवी संपदा हरेक आत्मा का अविनाशी स्वधर्म है, लेकिन देह भाव के कारण, देहाभिमान के कारण, अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्यात्मा जब राह भटक जाते हैं तो आसुरी संपदा कहे या आसुरी वृत्तियां उनको जकड़ लेती हैं, जिससे जितना भी निकलना चाहे वो निकल नहीं सकता। आसुरी संपदा में ही कुछ पाने का, खुश रहने का, आसुरी संपदा में रहते ही आगे बढ़ने का कोशिश करता है। जैसे कि कई बार हम लोगों ने सुना है, एक व्यक्ति मछली पकड़ना सीखना चाहता था। उसके लिए उसने खूब इंटरनेट पर रिसर्च किया, ये किया, कैसे मछली पकड़ा जाता है, तैयारी भी खूब की। पास में एक तालाब था, बहुत सारे रिहर्सल किए। बाद में एक दिन उसने सोचा, आज तो मैं पक्का पकड़ लूंगा। बहुत बड़ा जाल बिछाया उसने ताकि मछली पकड़ सके। बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई। आप सोच रहे होंगे, शायद जाल में ही छेद होगा या ठीक से जाल बांधा नहीं होगा। क्या थी वो वास्तविकता की बातें? वो थी कि तालाब में असल में मछली थी नहीं। जिस तालाब में मछली नहीं है, वहां कितने भी ट्रेनिंग लो, कितना भी अच्छा जाल बिछाओ, कितना भी प्रयास करो, कैसे मछली हाथ आएगी? ये आपको बहुत बचकानी बातें लगेगी, लेकिन सच में जीवन में यही हो रहा है। चारों तरफ से आसुरी गुणों से घेरे हुए हैं। आसुरी प्रवृत्ति का परमाधिकार है। जैसे आसुरी वृत्तियों का वर्णन, निशानियां, लक्षण भगवान ने सुनाया, वो तो हर घर में, हर अगले इंसान में, आसपास में, सब जगह वो ही नजर आ रहा है। इनमें से आप सुख, शांति, चैन, आपसी प्यार, ये कहां ढूंढ सकेंगे, जबकि है ही नहीं। होगा तभी तो मिलेगा। इसलिए तो आगे चलकर भगवान ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, सुझाव कहे, आदेश कहे, मार्गदर्शन कहे। भगवान का ये जो अगला श्लोक हम सुनने जा रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येरम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इतना मना पूरे अध्याय में पहले 3 श्लोक के अलावा पूरा 17 श्लोकों के जरिए भगवान ने आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से समझाकर आसुरी संपदा का फल क्या होगा, नरक में चला जाएगा, पतन होगा और आसुरी जन्मों में ही पुनः पुनः आना पड़ेगा,
और उसका जीवन पतन की ओर चला जाएगा। ये सब बातें बताते हुए अगर कोई आसुरी संपदा से मुक्त होना चाहता है तो क्या करे, उसका जो मार्गदर्शन है, त्रिविदं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। आत्मनाश के तीन द्वार है, दरवाजे है। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है, अब तक तो हम सुनते आए कि आत्मा अविनाशी है ना, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जिस आत्मा के बारे में हमने सुना कभी नाश नहीं होता है। फिर ये नई बात क्या आ गई कि ये तीन नरक के द्वार है, ये तो हमने सुना था, अभी भी सुन रहे हैं। त्रिविदं नरकस्येदं द्वारम, नरक के ये तीन द्वार आत्मा का नाश कर देते हैं। जैसे पहले भी हमने इसके बारे में सोचा है कि शब्द का यथावत अर्थ कई बार नहीं निकलता है, बोलने का भाव अलग होता है। वैसे तो पूरी तरह से ये पक्का है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का नाश कदापि नहीं हो सकता है, होगा भी नहीं। इटर्नल एंड इमॉर्टल एंटिटी, आत्मा जो अविनाशी है, अनादि है, जिसका कभी अंत होता ही नहीं है। ना, जैसे कहा गया है ना, अस्त्र शस्त्रों से, ना हवा से, ना स्थूल ना सूक्ष्म कोई भी चीज से आत्मा का नाश नहीं होता। और भगवान ने ये भी कह दिया है, आत्मा परमात्मा और परमधाम की जो रोशनी है वह ना सूरज से ना चांद से ना आग से प्राप्त है, वो तो अपना स्वयं का प्रकाश है ना। इसके कारण आत्मा जो स्वयं प्रकाशित एक तेज है, एक शक्ति है, एक ज्योतिर्बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है, जिसका नाश कभी नहीं होता है। फिर ये क्या मतलब है नाशनम आत्मनः। अगर किसी का सब कुछ लूट गया, चारित्र भी लूट गया, पैसे भी लूट गए, रिश्तेदार भी सब चले गए, तो मतलब उसका नाश हो गया ना, उसका जीवन का अंत ही हो गया, वो जिंदा लाश माना जाता है ना। इसी तरह का भावार्थ है यहाँ पर, त्रिविदं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। आत्मा के पतन के, आत्मा के गिरावट के, इतना गिरावट जितना कि आत्मा के अस्तित्व ही ना के बराबर हो जाए। आत्मा के अंदर की जो ताकत है ना, स्वधर्म जो है ना, वो ना के बराबर हो जाए, ऐसे कराने वाली तीन ये द्वार है। वो कौन से द्वार है, कामः क्रोधः तथा लोभः। ये तीनों आत्मनाश के तीन बड़े बड़े दरवाजे हैं, मतलब आत्मा के पतन के, ऐसे मानो कि आत्मा के अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है इससे। और आगे चलकर क्या कहता है, इसलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करो। कितना सरल उपाय है ना, इसको त्यज दो, त्याग दो। इसमें फिर से आर्गुमेंट शुरू हो जाती है ना। फिर लोग क्या कर रहे हैं, जो तत्वज्ञानी फिलोसोफर्स कहलाने वाले खुद काम विकार को छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने काम को कामना में बदल दिया, कहते कामना का त्याग करना है। जबकि आप अपने अंदर के विकारी भावनाओं का त्याग नहीं कर सकते, विकारी कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते, तो आप फिर कामना का मतलब क्या है, इच्छा का त्याग कर दो। अनेक मतमतांतर के रूप से इसका भाष्य या इसका संदर्भानुवाद या तात्पर्य किया जाता है, लेकिन भगवान ने जिस भाव से कहा, आत्मा का निजी गुण पवित्रता है, आत्मा का निजी गुण स्वच्छ प्रेम है, जिसके अंदर कोई काम वासना नहीं है। पहले भी हमने इसी अध्याय के तहत ये भी सोचा है कि काम विकार के बिना भी इस दुनिया में जीव जंतु रहते थे, रहेंगे भी, है ना, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। तो इसलिए हमारे मन से हम ये जो गलत फहमी पाल के बैठे हैं, ठीक है आपने काम को तो नहीं त्यागने का कष्ट किया, लेकिन लोभ
क्रोध इसे तो त्याग सकते, लेकिन ये तीनों भाई हैं आपस में। जब तक मन में विकारी भावना है, विषय विकार है, तब तक क्रोध का नियंत्रण हो नहीं सकता। जब तक क्रोध है और लोभ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तीनों आपस में मिले जुले भाई बंधु है, इसलिए त्याग करना है तो पहले ये जो विकारी भाव है सभी की आंखों में ना बढ़ चढ़कर जो ये नशा दिखाई दे रहा है, कारण हम किसको भी माने, मीडिया माने, किसको भी माने, जमाना ही खराब है, खाना खराब है, सभी को हम ग्लानी करते रहते, लेकिन है तो अपने अंदर ना। तो इन चीजों से जब तक हम बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तब तक मनुष्यात्मा नरक से मुक्त नहीं हो सकता। देखिए पिछले एपिसोड्स में भी हमने सुना, भगवान ने कहा असुरी प्रवृत्ति का अंत नरक है। असुरी प्रवृत्ति वाले नरक में जाके गिर जाते हैं। अगर भगवान कहता है नरक से बाहर निकलना है तुझे, तो इन तीनों का त्याग कर। लेकिन आजकल दुनिया में हो क्या रहा है, ये विषय विकार इतने नेगेटिविटी को भर के रखे हैं। सांप से भी बड़े खतरनाक विष है काम विकार। वैसे भी सांप के विष के बारे में बात आई है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूं। जैसे किसी कैदी को फांसी की सजा हो जाती है, तो हर एक देश में फांसी की सजा देने की अलग अलग विधान है। वैसे यूएस में फांसी की सजा विषैल सर्प के द्वारा दिया जाता है। सर्प से मना सांप से कटवाते हैं, जो विषैल सांप है उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी अभी की एक स्टडी बता रही थी, एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई थी, तो फांसी देना था। आप सभी को पता है फांसी देते समय आंखें बंद कर देते हैं, उसका आंख भी बंद कर दिया गया, पट्टी बांधी गई। सच में उसे ना सांप से नहीं कटवाया गया, सांप ने काटा नहीं उसे, लेकिन सांप के बदले दो पिन से उसे छुपा गया। लेकिन उसके मन में जो था कि उसको कहा गया था तेरी मृत्यु माना फांसी की सजा सांप के काटने से होगा, तो उसकी मृत्यु हो गई, सांप ने काटा नहीं था, फिर भी वो मर गया। ठीक है, मरने के बाद में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट देख के आप दंग रह जाएंगे, उसके शरीर के अंदर सांप का विष पाया गया, जबकि सांप ने काटा ही नहीं था। और आपको पता है फांसी की सजा के पहले पूरी तरह से फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, कोई भी ऐसी व्याधि है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, किसी ने कुछ है, तो फांसी की सजा दी नहीं जाती है। जब उसकी तबीयत ठीक हो तभी ही दिया जाता है ना, ये सभी का कॉमन रूल्स है। लेकिन क्यों, कैसे उसके शरीर में उस विषैल मतलब सांप का विष पाया गया? जब उसके मन में पता हो गया था ना उसको, मुझे सांप काटेगा उससे मेरी मृत्यु होगी, उसके अंदर जो नेगेटिविटी चलने लगी, अरे मेरी मृत्यु ऐसे होगी, सांप काटेगी मुझे, इसी सोच से उसके अंदर खुद के शरीर ने सांप के विष जैसे विषैला पदार्थ प्रोड्यूस कर दिया। सोचिए, केवल नेगेटिव सोच से मानव शरीर में खतरनाक विष पैदा हो सकते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो सारे दिन में 24 घंटों में मनुष्य कितना विषैल विचार सोचता है, विकार के बारे में सोचता है, गलत सोचता है, क्रोध की बातें सोचता है, पता नहीं उसके अंदर कितने विष भरे हैं, जिसके कारण ही कई सारी बीमारियां, कई सारी परेशानियां, दुख। तो अब क्या करेंगे, पहले हमारी सोच में बदलाव लाएंगे। उसके लिए आगे के श्लोक में भगवान ने एक रास्ता बताया है कि तीनों को त्याग दो,
उसी को आगे बढ़ाते हुए एतर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीवीर नर आचारत्यात्मन श्रेयास्ततो याति पराम गति। जो ऐसे विकारों का त्याग कर देगा, तीनों द्वारों का मतलब तीनों विकारों का त्याग कर देगा, यहाँ पर इन तीनों द्वारों को तमो द्वार कहा गया है। वहां क्या कहा गया था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना है, ये नरक के द्वार, यहाँ है तामसिकता का, तमो द्वारम स्त्रिविर नर, ये तीनों जो नरक के द्वार है यहाँ पर इसको तमो द्वार कहा गया है। जब इसका त्याग करेगा अपने ऊंचे आचरण से, वो श्रेय प्राप्त करेगा, हर कर्म में हर कदम में उसे श्रेय यश प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त करेगा और पराम गति, परम गति को हासिल करेगा। परम गति है परम धाम को पहुंचना, परमात्मा को प्राप्त करना और आत्मा के अंदर के अपने निजी गुणों का अनुभव करना, ये तीनों मिला के ही तो आत्मा की परम गति मानी जाती है। आत्मा की परम गति वो है जब गति सदगति दाता से आत्मा मिल जाए। आत्मा की परम गति वो है आत्मा अपने असली रूप में खुद को देख पाए। आत्मा की परम गति वो है आत्मा अपने असली रूप में गति सदगति दाता पिता परमात्मा के साथ अपने असली धाम परम धाम में पहुंच जाए। ऐसे गति को वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन कब, जब इन तीनों विकारों को त्यागेगा। ये त्याग करने की विधि क्या है, फिर कैसे त्याग कर सकता है। तीन युवा मित्र थे, एक बहुत बड़े आलिशान 100 मंजिलों वाला होटल में रुके हुए थे। एक दिन उनको लौटने में देरी हो गई। जब वो लौटे होटल, लिफ्ट बंद हो गया था। वे रुके हुए थे 75वें माले पे, 75th फ्लोर पे। अनिवार्य था, चढ़ के जाना था। पहले 25 माले तक जाने में एक ने चुटकुला सुनाया और 25 माले मतलब 50th फ्लोर तक पहुंचने तक दूसरे ने कुछ हास्य प्रसंग सुनाए, अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर किए। अगला जो 25वां माला, 25 माल बचे थे या फ्लोर्स बचे थे, तब तक किसी ने कुछ तंदुरुस्ती के बारे में उपाय बताए। ऐसे बातें करते हुए, चुटकुला सुनते हुए वो 75th फ्लोर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनको याद आया कि वे रिसेप्शन से चाबी लेना भूल गए थे। इतना मेहनत करके वहां तक तो पहुंच गए, कमरे तक तो पहुंच गए, लेकिन चाबी लेके नहीं आए थे। आपको लग रहा है ये हमारी जिंदगी से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं? जी हाँ, कई बार हमने सुना है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भरी सोया, बुढ़ापा देख कर रोया और एक दिन गया। कैसे गया? खाली हाथ गया। ये भी ऐसे हमारे जीवन भी, पहले 25 साल खेल कूद पढ़ाई मस्ती आलस्य अलबेलापन में बीत जाता है, अगला 25 साल पैसे कमाना औधे कमाना शादी बच्चे इसी में चला जाता है, उसके बाद इंतजार करता हुआ बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती है, उसे संभालने में पूरा 25 साल बीत जाता है, तब तक 75 का उम्र हो जाता है। लेकिन जाने के दिन तो नजदीक आ गए, लेकिन हम चाबी लेना भूल गए। परमात्मा के पास जाने की जो चाबी है हम जिंदगी से उठाना ही भूल जाते हैं। पता है वो क्या है? बस बहुत सिंपल से चाबी है, जैसे आजकल कार्ड है, है ना, कमरे को खोलने का। इसी तरह परमात्मा का भी एक छोटा सा, वो है परमात्मा की याद, भगवान पिता की याद। इस
छोटे से चाबी को अगर हम साथ रखते तो 75वें माले पे जाके पछताना नहीं पड़ता। इसलिए जो भगवान हमें समझा रहे हैं, ये त्याग दो, लेकिन त्याग कैसे त्यागेंगे? परमात्मा प्यार को पकड़ेंगे, अपने अंदर के प्रेम भाव को जागृत करेंगे, आत्मसम्मान का अनुभव करेंगे, आत्मस्थिति में स्थित होंगे, तभी अपने आप देहभान छूटता जाएगा। जैसे जैसे देहभान छूटता जाएगा, उतना हम परमात्मा के नजदीक महसूस करते जाएंगे, आसानी से इन तीनों द्वारों को बंद कर सकेंगे जो हमें नरक की ओर धकेल देने वाले थे। अब भी देरी नहीं हुई, अब भी हम अगर आज से भी अगर सोचे कि हमें इन तीनों द्वारों को बंद करना है, उन द्वारों में जाना नहीं है, त्यागना है, उसके लिए हमें आधार पकड़ना है परमात्मा प्यार।